हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। सॉरी, मुझे वीडियो अपलोड करने को लेट हो गया क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था और कार में फिर बराबर वो बात नहीं होती है, इसलिए सोचा कि थोड़ा लेट बनाएंगे पर प्रॉपरली बनाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करने के पहले आपको याद दिला दूँ जैकपॉट शेयर के बारे में। मैंने 3 दिन पहले जो शेयर दिया था 35% अप जा चुका है, और ऐसे ही शेयर मेरे पास जैकपॉट शेयर होते हैं। अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फर्स्ट जैकपॉट शेयर का प्राइस है ओनली 500 रुपीज़, जो कि आपको 1 डे से 15 डेज में 10% का प्रॉफिट दे सकता है। मैं अभी जो शेयर दे रहा हूँ वो एक दिन में ही 10% 20% दे रहे हैं, या मैक्स टू मैक्स 2-3 डेज में ही 10% दे रहे हैं। तो आपको चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज ब्राइटकॉम ग्रुप में आप देखोगे तो फ्लैट डे रहा, 34.65 का हाई लगाया था, 33.75 का लो लगाया था, क्लोजिंग दिया है 34.25, जो कि फ्लैट ही क्लोजिंग था, करीब करीब 0.30% अपवर्ड मूव दिखाया। मतलब अपना 34 का जो सपोर्ट लेवल है उसको मेंटेन किया, यही हमारे लिए पॉजिटिव बात है। हालांकि आज निफ्टी 0.34% डाउन था, निफ्टी आईटी 0.45% डाउन था, बट ब्राइटकॉम ग्रुप आज नीचे नहीं गिरा, यही हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। आज वॉल्यूम भी कम हो चुके थे, एनएससी पर अराउंड 84,50,000 शेयर्स ट्रेड हुए, बीएससी पे अराउंड 18,50,000 शेयर्स ट्रेड हुए, ऑल टुगेदर 1,03,00,000 शेयर्स के आसपास आज देखने को मिला वॉल्यूम। और अगर आप देखोगे डिलीवरी परसेंटेज तो 53% का था, जो कि मैंने आपको बताया था कि शेयर ऊपर जाता है तो डिलीवरी कम हो जाती है, नीचे आता है तो डिलीवरी बढ़ता है। तो अभी फ्लैट था तो डिलीवरी थोड़ा बढ़ा है, 53% है, पर जब नीचे होता है 34 के नीचे तो 60% के आसपास डिलीवरी देखने को मिलती है। और जैसे ऊपर गया था तो ऊपर जाने के बाद कल भी अगर आपने देखा तो 30% का डिलीवरी था। मतलब लोग अभी भी पूरे कन्विंस नहीं है बाय करने के लिए, और इसीलिए लोग इंट्राडे करके ही चले जाते हैं, डिलीवरी ज़्यादा लेते नहीं हैं। आज भी अगर देखोगे तो दिन भर सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा था बाइंग से, हालांकि गिरा नहीं ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, बट सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, यही हमें देखने को मिलता है। सेलर ज़्यादा थे दिन भर, बायर्स कम थे, और थोड़ा सा जो अभी जो प्रेशर देखने को मिल रहा है पूरे मार्केट पे, उसका कारण यह है कि यूएस फेड का मीटिंग का आज कंक्लूजन आने वाला है। 0.75 पॉइंट्स से तो जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ने की उम्मीद सभी लोग कर ही रहे हैं, बट कॉमेंट्री क्या करते हैं यूएस फेड के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पॉवेल, वो कॉमेंट्री क्या करते हैं उसके ऊपर मार्केट ध्यान लगाकर बैठा है कि वो इन्फ्लेशन और रिसेशन के बारे में क्या बोलते हैं, उसके ऊपर ही आगे का मार्केट मूव करेगा, इसीलिए मार्केट आज स्लो हो चुका है। वैसा ही ब्राइटकॉम ग्रुप में भी देखने को मिला। उसके अलावा रिजर्व बैंक की भी जो मीटिंग है वो 3 नवंबर को है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, एडिशनल मीटिंग बुलाई गई है उसका, उसके लिए भी हमारा मार्केट वेट करेगा। तो कल का मार्केट भी फ्लैट रह सकता है, हालांकि अगर यूएस मार्केट में क्रैश हुआ तो कल हमारा मार्केट भी क्रैश हो सकता है, उसके साथ ब्राइटकॉम ग्रुप भी थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फेड मीटिंग आउटकम क्या आता है। फ्रेंड्स, क्वार्टर टू का रिजल्ट का डेट अभी तक आया नहीं है, बट जो उम्मीद कर सकते हैं कि इन दिस वीक एनी टाइम वी कैन एक्सपेक्ट द क्वार्टर टू रिजल्ट डेट, वो आने के बाद हो सकता है थोड़ा पॉजिटिविटी शेयर में देखने को मिले, बट डिपेंड करता है क्वार्टर रिजल्ट कैसा आएगा। बट मेरे हिसाब से तो अच्छा ही आना चाहिए, बहुत बुरा नहीं आना चाहिए, अबो एवरेज या गुड़ी आना चाहिए, बैड तो नहीं आना चाहिए ईयर ऑन ईयर तो भी, एंड क्वार्टर क्वार्टर भी लगता है कि बेटर ही आना चाहिए, बट लेट्स होप, कांट से एनीथिंग, क्योंकि जो इसके जो कस्टमर्स हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के, उनके सभी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं और प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा मैं, जो कि आप देखना कि जो ब्राइटकॉम ग्रुप के कस्टमर्स हैं उनमें क्या बीत रही है और क्या उसका इफेक्ट आगे जाके हो सकता है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स होप कि फेड के मीटिंग का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आए और मार्केट रैली करेगा तो कल हम थोड़ा तेजी भी देख सकते हैं। 34 का लेवल जो मेंटेन कर रहा है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, मेंटेन हो सकता है 1-2 दिन साइडवेज भी जाए ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट इतना ही ध्यान रखिए कि जब गिरता है जब ही बाय करना है, भागता है जब बाय नहीं करना है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो, और लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टर हो तो जब गिरता है तभी बाय कीजिए, वो भी पार्ट्स में बाय करना है, एक साथ बाय नहीं करना है। मुझे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं जो या जो जैकपॉट शेयर का सर्विस लेते हैं उनको तो मुझे जवाब देना ही पड़ता है सब पर्सनल लेवल पर भी, तो वो मुझे बार बार पूछते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में मैं फंसा हुआ हूँ ऊपर रेट में। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोग प्रॉफिट बुक तो करते ही नहीं है,
प्लस लॉस भी बुक नहीं करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 50 रुपीस में लिया हुआ है आपने, तो आपने 40 गया था जब बेचना चाहिए, पर लोग सोचते हैं कि मेरा लेवल आएगा जब भी बेचूंगा, और फिर से 30-32 आ जाता है, फिर लॉस बढ़ जाता है। तो लॉस कम करना भी प्रॉफिट होता है, ये बात ध्यान में रख के आप डिसीजन लीजिए ब्राइटकॉम ग्रुप में। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो एंड लेट्स सी कि टुमारो इट गोज अप और डाउन, टोटली डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। नैसडैक क्रैश हुआ तो कल डाउन होगा, नैसडैक पॉजिटिव रहा तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश भी कर सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।